Welcome to my YouTube channel Physics with Dilip Prabhat. Let's start. आइए फिर से स्वागत है आपको अपने YouTube चैनल फिजिक्स विथ दिलीप प्रभात पर. और आज आपको बताने जा रहे हैं एटम का पार्ट थ्री. पिछले दो क्लासों में एटम का पार्ट वन और पार्ट टू अपलोड कर दिया गया है और हम चाह रहे हैं कि आज पार्ट थ्री को अच्छे ढंग से देख लिया जाए. तो पार्ट थ्री बताने से पहले आप लोग थोड़ा सा प्रीवियस क्लास के बारे में थोड़ा हल्का फुल्का जानकारी ले लीजिएगा ताकि आपको हर चीज़ समझने में परेशानी न हो. तो पिछले क्लास में कुछ हाइड्रोजन परमाणु की त्रिज्या के लिए कुछ समीकरण लाया गया था. हाइड्रोजन परमाणु की त्रिज्या की चर्चा की गई थी. ऐसा बताया गया था कि नाभिक के चारों ओर जो इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं उस इलेक्ट्रॉन की त्रिज्या का इक्वेशन प्राप्त करें. अगर हाइड्रोजन परमाणु हो तो उसकी त्रिज्या का समीकरण क्या होगा. और जब हाइड्रोजन परमाणु की त्रिज्या का समीकरण प्राप्त किया गया था तो उसके लिए कक्षाओं की संख्या 1 लिया गया था. और जनरली हम लोग ऐसा निकाले थे कि किसी भी तत्व के परमाणु की त्रिज्या के लिए ये वाला इक्वेशन होता है. अगर स्पेशली आप हाइड्रोजन परमाणु की बात करेंगे और उसके त्रिज्या निकालेंगे तो इतना तो आप जान रहे कि कक्षाओं की संख्या आपको 1 रखना है. तो 1 रखा गया और इस टाइप से आपका समीकरण आ गया. यानी कि ये जो r इक्वल टू h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट पाई e स्क्वायर और m जो वैल्यू आया. और लास्ट में आप लोग ऐसा देखे भी होंगे कि r इक्वल टू आ गया था 0.53 एंगस्ट्रम. और ये जो फाइनल जो वैल्यू आया था वो आपके हाइड्रोजन परमाणु की त्रिज्या का था. तो याद रखेंगे कि हाइड्रोजन परमाणु की त्रिज्या का तो समीकरण आप जान गए, आराम से आप निकाल सकते हैं. लेकिन अगर एग्जामिनेशन में हाइड्रोजन परमाणु के बारे में ऐसा पूछा जाए कि हाइड्रोजन परमाणु के अस्थायी कक्षा में चक्कर लगाने वाले इलेक्ट्रॉन के वेग का व्यंजक प्राप्त करें, तो अगर वेग का व्यंजक प्राप्त करने के लिए कह देगा तो आपको जितना कल बताया गया था पिछले वीडियो में पार्ट टू में जितना त्रिज्या का समीकरण दिया गया था उस त्रिज्या के समीकरण के साथ आपको जितना अभी बताया जा रहा है उसको ऐड करना पड़ेगा. यानी आपसे क्वेश्चन ऐसा किया जाए कि हाइड्रोजन, थोड़ा सा इसको समझेंगे, हाइड्रोजन परमाणु के अस्थाई कक्षा में चक्कर लगाने वाले इलेक्ट्रॉन का वेग निकालें. आपको इलेक्ट्रॉन का वेग प्राप्त करना है. तो अगर इलेक्ट्रॉन का आपको वेग प्राप्त करना रहेगा तो सबसे पहले समझेंगे कि मान लिया जाए कि ये हमारा हाइड्रोजन परमाणु है, ये उसका न्यूक्लियस है, नाभिक है, और इस नाभिक के बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं. तो ये इलेक्ट्रॉन का आखिर वेग क्या होगा, इसका वेग निकालना है. तो जनरली हम मान लेते हैं कि इसका वेग भी है, ये भी वेग से गतिशील है इस पथ पर, तो यही वेग का समीकरण कह देगा. तो इस वेग का समीकरण निकालने के लिए आपको त्रिज्या का हेल्प लेना पड़ेगा, ठीक है. तो कैसे निकालेंगे, तो वेग का समीकरण प्राप्त करने के लिए आपको नील्स बोर का मॉडल की सहायता लेनी पड़ेगी. और कुछ ऐसा हम लोग पढ़े भी हैं कि नील्स बोर के परमाणु मॉडल में बताया गया है कि m भी r इक्वल टू h बाई 2π इंटू n, ठीक है, जहां m इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है, v जो है वह इलेक्ट्रॉन का वेग है, और r जो है वह ये वृत्ताकार पथ की त्रिज्या यानी इस परमाणु की त्रिज्या है. तो हमको इस बार वेग का समीकरण प्राप्त करना है. तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि भी इक्वल टू, ध्यान देंगे बढ़िया से, भी इक्वल टू एच बटा 2π इंटू एन, और नीचे आप एडजस्ट कर सकते हैं m, और दे सकते हैं आप r.
तो चलिए आप प्रोसेस को थोड़ा आगे बढ़ाएं और प्रक्रिया को थोड़ा सा देखते जाएं। तो आपको वेग का समीकरण निकालना है, तो h बटा 2 पाई को छोड़ दीजिएगा, n भी अभी छोड़ दीजिए, m भी छोड़ देंगे, लेकिन r की चर्चा करेंगे और r के सीट पर आप ये समीकरण को एडजस्ट कर सकते हैं। तो अगर ये समीकरण एडजस्ट करेंगे तो ये आपका इस टाइप से हो जाएगा h स्क्वायर, थोड़ा ध्यान देंगे बढ़िया से गौर करके, h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट n स्क्वायर और बाई पाई e स्क्वायर और m, m से m को कट करेंगे, एक h से h को कट करेंगे, एक n से n को कट करेंगे और एक पाई से पाई को भी कट करेंगे, तो थोड़ा इक्वेशन सिंपल हो जाएगा और आ जाएगा भी इक्वल टू आपका ये बच गया, नीचे में सबसे नीचे ई स्क्वायर है और ये ई स्क्वायर सबसे ऊपर चला जाएगा, जो नीचे में रहेगा उसको लिखेंगे, टू बच गया आपका, उसके बाद एच बच गया, उसके बाद एप्सिलॉन नॉट बच गया और ये एन स्क्वायर था तो एक एन से एन कट गया था, एक एन बच गया था। तो अगर यहाँ पर प्रक्रिया को और आगे बढ़ाया जाए तो आप आराम से यहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं, एन का मान वन ले सकते हैं और भी का यहाँ पर वैल्यू ए स्क्वायर टू एच एप्सिलॉन नॉट इतना वेग का इक्वेशन दे सकते हैं। तो याद रखेंगे कि इस टाइप से हाइड्रोजन परमाणु के स्थायी कक्षा में चक्कर लगाने वाले इलेक्ट्रॉन का ये वेग का समीकरण इस टाइप से आ जाएगा। यहाँ पर वैल्यू सब सेम है, मान पुट करके कोई रिजल्ट भी ला सकते हैं। तो यहाँ पर हाइड्रोजन परमाणु के स्थायी कक्षा में चक्कर लगाने वाले इलेक्ट्रॉन का वेग तो हम आसानी से इस टाइप से निकाल चुके हैं, लेकिन अगर बाय द वे ऐसा कहा जाए हाइड्रोजन परमाणु को काट दिया जाए और सिर्फ ऐसा दिया जाए कि अस्थाई कक्षा में चक्कर लगाने वाले इलेक्ट्रॉन का वेग का व्यंजक प्राप्त करें यानी समीकरण प्राप्त करें, तो याद रखेंगे कि अगर अस्थाई कक्षा में ऐसा कह दे कि अस्थाई कक्षा में चक्कर लगाने वाले इलेक्ट्रॉन का सिर्फ वेग ज्ञात करें, हाइड्रोजन परमाणु न लगाए, तो यहाँ पर कभी भी गलती से आप एन का मान वन नहीं लेंगे। अगर सिर्फ अस्थाई कक्षा में चक्कर लगाने वाले इलेक्ट्रॉन का वेग कहे, हाइड्रोजन की बात ना करें, तो याद रखेंगे एन का मान वन नहीं लेंगे और आपका रिजल्ट यहीं तक रहेगा, अर्थात आपका रिजल्ट ये वाला हो जाएगा। तो आप याद रखेंगे हाइड्रोजन परमाणु के बारे में कह देगा तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे और यहाँ तक पहुँच जाएंगे, लेकिन अगर कोई भी अस्थाई कक्षा में चक्कर लगाने वाले इलेक्ट्रॉन की बात कहे तो आप यहीं तक रिजल्ट छोड़ेंगे। और इस प्रकार से हम यहाँ पर समझे कि हाइड्रोजन परमाणु के अस्थाई कक्षा में चक्कर लगाने वाले इलेक्ट्रॉन का वेग इतना होता है, ठीक है। और इस टाइप से कुछ सॉल्यूशन करके देख लिए, अगर स्थायी कक्षा में चक्कर लगाने वाले इलेक्ट्रॉन का अगर वेग पूछे तो यहीं तक छोड़ देंगे। तो याद रखेंगे कि यहाँ तक हम लोग हाइड्रोजन परमाणु की त्रिज्या पढ़ ली है, हाइड्रोजन परमाणु के स्थायी कक्षा में चक्कर लगाने वाले इलेक्ट्रॉन का वेग देख लिए। अब थोड़ा सा बम्पर क्वेश्चन की बात आ गई और काफ़ी जोरदार क्वेश्चन है, इम्पॉर्टेंट है और बोर्ड में वो लॉन्ग टाइप से आता है, यानी लॉन्ग क्वेश्चन है वो, तो हम उसको अच्छे से थोड़ा देख लेंगे हम लोग और थोड़ा अच्छे से समझने की कोशिश ज़रूर करेंगे। आप उसको नोट ज़रूर कीजिएगा, अगर ये सब आपको लग रहा होगा कि वीडियो आगे चला जा रहा है तो आप या तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नहीं तो आप इसको बैक करके आराम से इसको उतार सकते हैं। ये हो गया हाइड्रोजन परमाणु की त्रिज्या और ये हो गया हाइड्रोजन परमाणु के स्थायी कक्षा में चक्कर लगाने वाले इलेक्ट्रॉन का वेग। तो ये सब बातें आप ज़रूर याद रखिएगा। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, प्रोसेस को आगे बढ़ाना चाह रहे हैं उसको थोड़ा अच्छे से देखिएगा और आ रहे हैं क्वेश्चन, ऐसा आएगा बिहार बोर्ड में पूछा हुआ भी क्वेश्चन है कि हाइड्रोजन परमाणु का नाम ले लेगा और कहेगा कि हाइड्रोजन परमाणु के अस्थाई कक्षा में चक्कर लगाने वाले इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा का व्यंजक प्राप्त करें। कह देगा आपसे ऐसा कि हाइड्रोजन परमाणु के अस्थाई कक्षा में चक्कर लगाने वाले इलेक्ट्रॉन का व्यंजक प्राप्त करें, नहीं तो आपसे कहेगा कि अस्थाई कक्षा में हाइड्रोजन परमाणु का नाम नहीं मिल सकता है, सिर्फ कहेगा कि अस्थाई कक्षा में चक्कर लगाने वाले इलेक्ट्रॉन का कुल ऊर्जा ज्ञात करें।
तो अगर ऐसा कहे हाइड्रोजन परमाणु का नाम ले, तो जहाँ एन रहेगा एन का वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है। अगर अस्थाई कक्षा सिर पूछेगा तो एन को जस का तस छोड़ेंगे, अगर एन का चर्चा ना हो तो कोई बात नहीं है। तो आइए थोड़ा सा इस क्वेश्चन को देखा जाए, और ऐसा क्वेश्चन है, क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है। पूछता है क्वेश्चन कि हाइड्रोजन परमाणु, ये थोड़ा सा लॉन्ग टाइप का क्वेश्चन है, इसीलिए आप लोग इसको नोट जरूर करते जाएंगे, क्योंकि ये आपको काफ़ी काम देने वाला है। हाइड्रोजन परमाणु के अस्थाई कक्षा में चक्कर लगाने वाले इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा ज्ञात करें। कुल ऊर्जा आपको निकालना है। तो ऐसा समझ रहे हैं कि ये हम लोगों का हाइड्रोजन परमाणु है, और ये उसका न्यूक्लियस है, ये उसका नाभिक है, और नाभिक तो आपका पॉजिटिव चार्ज है, और ये बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन है वो निगेटिव चार्ज है। ये नाभिक पर जो पॉजिटिव चार्ज है उसको हमने प्लस ई के द्वारा शो कर दिया, और इलेक्ट्रॉन आपका माइनस ई है, और इस पथ की त्रिज्या मान ली गई आर है, जैसा कि त्रिज्या का हमने पहले बात भी किया। तो इसकी कुल ऊर्जा का हमको, ये जो आप देख रहे हैं हाइड्रोजन परमाणु, इसके स्थायी कक्षा में चक्कर लगाने वाले इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा का व्यंजक प्राप्त करना है। इलेक्ट्रॉन के पास ऊर्जा होगी तो उसी कुल ऊर्जा का व्यंजक हमको प्राप्त करना है। तो सबसे पहले समझिएगा, ध्यान लगाएंगे कि ऐसा हम जानते हैं कि नाभिक के चारों ओर जो ये इलेक्ट्रॉन है वो अस्थाई कक्षा में कुछ वेग से चक्कर लगाते रहते हैं। तो सिंपल सा बात है कि अगर इलेक्ट्रॉन कुछ वेग से कक्षा में चक्कर लगा रहा है तो उसमें गतिज ऊर्जा होगी। तो एकदम कन्फर्म तो हो गए कि इसमें गतिज ऊर्जा होगी, लेकिन ध्यान देने वाली ये बात है कि यहाँ पर पॉजिटिव है और यहाँ पर निगेटिव है, तो पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज के कारण इसके बीच एक प्रकार का आकर्षण बल लगेगा। उस आकर्षण बल को हम लोग स्थिर विद्युत बल भी कहते हैं, याद रखिएगा, उस आकर्षण को स्थिर विद्युत बल भी कहेंगे। और वो स्थिर विद्युत बल के कारण ये इलेक्ट्रॉन में स्थितिज ऊर्जा भी पाई जाएगी। तो याद रखिएगा कि जो हाइड्रोजन परमाणु के स्थायी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन आपको दिखाई दे रहा है, ये इलेक्ट्रॉन में दो ऊर्जाएं रहेगी, एक गतिज ऊर्जा और एक स्थितिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा इलेक्ट्रॉन के कुछ वेग से गतिशील होने के कारण, और स्थितिज ऊर्जा आकर्षण बल के कारण, स्थिर विद्युत बल के कारण। तो यहां पर याद रखेंगे कि इलेक्ट्रॉन में भी वेग से गतिशील होने के कारण गतिज ऊर्जा तथा स्थिर विद्युत बल, और स्थिर विद्युत बल के रूप में कौन सा, तो आकर्षण बल। स्थिर विद्युत बल के कारण स्थितिज ऊर्जा पाई जाती है। इसी कारण याद रखिएगा कि जब भी आपको परमाणु के अस्थायी कक्षा में चक्कर लगाने वाले इलेक्ट्रॉन की बात किया जाए, कोई भी परमाणु रहे, तो उसकी कुल ऊर्जा अगर आप निकाल रहे हो, तो निकालते समय याद रखेंगे कि इसकी कुल ऊर्जा का मान गतिज ऊर्जा और इसके स्थितिज ऊर्जा के योगफल के बराबर होगा, याद रखिएगा।
इसको हमने इक्वेशन वन लिया और थोड़ा सा समझिएगा इस बात को, गौर कीजिएगा, याद रखेंगे थोड़ा सा इस बात को कि सबसे पहले हम चाह रहे हैं कि के ई का मान निकल जाए। तो अगर के ई का मान निकले तो के ई का मान कैसे निकलेगा भाई, के ई बराबर तो होता है 1/2 एम वी स्क्वायर। तो 1/2 एम वी स्क्वायर होता है, तो क्या आपने कभी पढ़ा है कि जब ऐसा कंडीशन हो, पिछले क्लास में बताया गया भी होगा कि जब ऐसा कंडीशन हो तो इन दोनों के बीच में आकर्षण बल के कारण एक अभिकेंद्रीय बल भी प्रदान होता है, और उसके लिए हम लोग नील्स बोर का मॉडल तैयार किए थे और उसमें दिखाए थे कि एम वी स्क्वायर बाई आर इक्वल टू 1/4πε0, दोनों आवेशों को गुना किए थे। चूंकि बल की बात किया जा रहा है यहाँ पे, ये भी बल है ये भी बल है, तो बल में दोनों पॉजिटिव रूप में रहते हैं और नीचे में आर स्क्वायर, ऐसा कुछ इक्वेशन बताया गया था पिछले वीडियो में, थोड़ा सा देख लीजिएगा ये आपको दिखाई देगा। एक आर से एक आर कैंसिल कर देंगे और यहाँ पर आपका एम वी स्क्वायर इक्वल टू 1/4πε0 ई स्क्वायर बाई केवल आर बच गया। तो इसीलिए आप लिख सकते हैं कि के ई इक्वल टू 1/2 एम वी स्क्वायर के जगह पर लिखिए क्या भाई, तो 1/4πε0 और ई स्क्वायर बाई आर, और लास्ट में आप लिख सकते हैं 1/2 ये 4 को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए 8πε0 ए स्क्वायर बाई आर, ये आपका मान इसका निकल चुका। आपको उसके बाद पी का मान निकालना है, तो पी का मान निकालने से पहले आप थोड़ा सा गौर कीजिएगा कि जब दो आवेश एक दूसरे से कुछ दूरी पर हो तो इन दो आवेशित निकायों के लिए स्थितिज ऊर्जा का समीकरण होता है 1/4πε0 दोनों आवेशों का गुणनफल। याद रखेंगे कि स्थितिज ऊर्जा आपका स्केलर क्वांटिटी है यानी अदिश राशि है, इसीलिए जो आवेश पॉजिटिव में रहेंगे पॉजिटिव में दीजिएगा, जो निगेटिव में रहेंगे वो निगेटिव में दीजिएगा, और नीचे में ये आर रहेगा तो इसको अगर आगे बढ़ाएं तो 1/4πε0। तो जैसा कि यहाँ देखने को मिल रहा है तो यहाँ पर भी डबल चार्ज जरूर है, कुछ दूरी पर है डबल चार्ज, कुछ दूरी पर, तो डबल चार्ज कुछ दूरी पर रहेंगे तो दोनों आवेशों का गुणनफल लेंगे, जो आवेश जैसा चिन्ह दिखाएगा वैसा दे देंगे, अर्थात एक पॉजिटिव है और एक निगेटिव है, तो इसको आप ऐसे लिखेंगे और नीचे आपका वो डिस्टेंस आ रही है आर छोड़ देंगे। तो इसको आप लास्टली ऐसे लिख सकते हैं कि पी इक्वल टू 1/4πε0 ई स्क्वायर बाई आर, तो माइनस कहाँ जाएगा, तो माइनस को आप आगे लिख सकते हैं, अर्थात यहाँ पे लिख दीजिए 1/4πε0 माइनस को आगे लगा दीजिए, इस टाइप से हो गया। तो अगर कुल ऊर्जा का हमें मान निकालना हो तो कुल ऊर्जा का मान निकालने के लिए हम समीकरण एक से चलेंगे, और समीकरण एक में आपका है कुल ऊर्जा इक्वल टू के ई प्लस पी ई गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो चलिए मान भर दिया जाए, तो यहाँ पर कुल ऊर्जा का अगर मान देखा जाए तो कुल ऊर्जा का मान यहाँ पर कुछ ऐसा है, तो आइए निकालते हैं कुल ऊर्जा का मान। तो कुल ऊर्जा का मान देखते हैं थोड़ा सा, तो कुल ऊर्जा इक्वल टू है आपका के ई प्लस पी ई। चलिए समीकरण एक से आ जाए, ठीक है समीकरण एक से थोड़ा देख लिया जाए क्या कंडीशन है। तो इसीलिए कुल ऊर्जा से आ जाए, कुल ऊर्जा इक्वल टू के ई प्लस पी ई, तो थोड़ा के ई का मान देखेंगे, के ई का मान क्या है और पी का मान क्या है। तो के ई का मान आपका जो है ये फाइनल ये वाला है और पी का मान फाइनल ये वाला है, ये के ई हो गया ये पी हो गया। तो सबसे पहले देखना है कि आखिर इन दोनों में कुछ कॉमन लेने लायक है या नहीं है। ई स्क्वायर बाई आर, ई स्क्वायर बाई आर कॉमन होगा, पाई एप्सिलॉन नॉट, पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन होगा,
इसमें चार है तो इसमें भी चार रहेगा, ये भी कॉमन हो जाएगा, यानी कि 1/4 pi epsilon naught कॉमन इसमें भी है और इसमें भी है। 8 को आप 4 × 2 लिख सकते हैं। e² / r दोनों में है तो आप फिर से कॉमन लेंगे। अंदर क्या बचेगा उसको थोड़ा सा देखिएगा, तो इसमें लग रहा है कि ये कॉमन, ये कॉमन, यहाँ पे आपका 4 × 2 था तो 1/2 बच गया है, तो 1/2 बचा, और इसमें कुछ नहीं बचा, सिर्फ और माइनस बच गया, और 1 साथ में लिखेंगे यानी -1 बच गया। तो 1/2 में अगर 1 को घटाएंगे तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे आपका आ जाएगा -1/2। कैलकुलेशन करेंगे तो आपका फाइनल रिजल्ट आ जाएगा, माइनस को आगे कर देंगे और ये 4 को 2 से गुना कर देते हैं तो 8 pi epsilon naught और e² / r, और यही निकल गया कुल ऊर्जा का व्यंजक, जो बिहार बोर्ड के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो हम चाहेंगे कि इस क्वेश्चन को आप लोग थोड़ा बारीकी से देखिए और थोड़ा सा इसको अच्छे से क्लियर जरूर कीजिए, कोई ज़्यादा टफ है नहीं, आप आराम से इसको क्लियर कर सकते हैं। तो अगर एक बार में वीडियो में समझ में नहीं आता तो वीडियो को थोड़ा सा 1-2 बार रिपीट कीजिए और स्क्रीन शॉट लेकर इसको कॉपी पर उतारने की कोशिश करें और इसको क्लियर ज़रूर कीजिएगा। तो आज वाले क्लास में इतना ही छोड़ा जाता है, और आप लोग को जहाँ पर प्रॉब्लम होगा ज़रूर शेयर कीजिए हमसे, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, और इस क्वेश्चन को आप लोग क्लियर ज़रूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में डालें आप, ठीक है, कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, ये क्वेश्चन कैसा लगा, आपको समझ में आया या नहीं आया। तो आज के लिए इतना ही, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।